myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today, I will discuss the topic single source shortest path problem. As of now, I have discussed about the Dijkstra algorithm. Before moving ahead, I will discuss the some of the glimpses of graph algorithms as I have already discussed about the Kruskal and Prem's algorithm. Kruskal and Prims are the minimum spanning tree algorithm. In Kruskal, we take the edges in the increasing order of their weight and pick edges one by one in such a way that the there will be no cycle. In Prims, we traverse with the help of vertex. We take, we make one vertex as a source vertex and then we see the adjacent vertices to that and traverse the path which have a minimum weight. So, that was an approach of the Prim's algorithm. In the last lecture, I have discussed about the Dijkstra algorithm that is, I, it is a single source shortest path algorithm. Now, what is a single source shortest path? Single source shortest path problem is a problem in which we have two. डिटरमाइन अटेस्ट पाथ टू नोड फ्रॉम अलसिकली सिंगल सोर्स एक सोर्स से सारी कैलकुलेट करेंगे अब डायस्ट्रायल में क्या था कि हम एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड होगा और

देर आर नेगेटिव वेट्स इन द ग्राफ वी शुड मेंटेन दट देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव साइकिल कभी भी ग्राफ में नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए अगर ग्राफ के अंदर नेगेटिव साइकिल फॉर्म हो रही है तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा सो so, हमें यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वेट्स के लिए वी आर डीलिंग विद्रायल गोरथ हम एंड नेगेटिव वेट्स कैन आल्सो बी देयर अगर नेगेटिव वेट्स हैं तो वी डील विद बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम और बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम क्या है दैट एल्गोरिथम विल बिहेव सिमिलर टू डा बट इफ देयर आर नेगेटिव वेट साइकिल देन दैट एल्गोरिथम विल नॉट रिटर्न एनी शॉर्टेस्ट पाथ वेट तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर एक ग्राफ में नेगेटिव साइकिल फॉर्म हो जा रही है नेगेटिव साइकिल फॉर्म होने से उस ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न नहीं होगा सो so, अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग यह है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक के शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ अब सिंगल सोर्स ऑटेस्ट पाथ के दो वेरिएंट हैं डेट इज अ डाइक्स्ट्रायल गोरथम एंड अ बेलमेन फोर्ड डायक्सट्रायल गोरथम क्या है उसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव वेट्स ही होंगे और हमें एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक के शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने हैं यूजिंग अ रिलैक्स प्रोसीजर हमें यह काम कंप्लीट करना है लेकिन बेलमेन फोड में हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें हमारे पास ग्राफ में नेगेटिव वेट्स भी हो सकते हैं अगर नेगेटिव वेट नेगेटिव वेट्स हैं कोई नहीं वेट्स रह सकते हैं लेकिन नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए अगर नेगेटिव तो बार 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 तो फिलहाल हम सिर्फ इतना देखते हैं कि सिंगल सोर्स पाथ क्या है एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का सिंगल सोर्स पाथ सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ क्या पढ़ा था हमने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सारी वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट सिंगल पेयर क्या था एक वर्टेक्स यू से एक वर्टेक्स वी तक का शॉर्टेस्ट ऑल पेयर क्या था सारी वर्टेक्स यू से सारी वर्टेक्स वी तक का शॉर्टेस्ट पाथ सो डेफिनेशन ऑफ सिंगल सोर्स पाथ इज डेट वी हैव गिवन अ वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ और उसमें हम एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का पाथ विद मिनिमम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं अब सिंगल सोर्स सोटेस्ट पाथ में हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है एक जो भी हमें ग्राफ गिवन होगा उस ग्राफ की सारी वर्टेक्स को हम इनिशियलाइज कर लेंगे विद इंफिनिटी पहला प्रोसीजर कॉल होगा इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल सोर्स का कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं सिंगल सोर्स में एक सोर्स से सारी वर्टेक्स तक का सोटेस्ट है तो आर फर्स्ट स्टेप इज टू तो इनिशियलाइज बता दें कि सोर्स क्या है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले सारी वर्टेक्स जो हैं उनको ट्रेवर्स करना हम सारी वर्टेक्स जो हैं फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू वी एक लूप रन करेंगे और उसमें हम डिस्टेंस या वेट डी ऑफ वी डिस्टेंस ऑफ वी मतलब सारी वर्टेक्स को वेट असाइन कर देंगे इन्फिनिटी अभी इनिशियलाइजेशन के दौरान नेक्स्ट पाई ऑफ वी अ अल वैल्यू इसका मतलब ये पाई ऑफ वी क्या है मैं यू से लेके वी तक जा रहा हूं तो यू मतलब नोड और टू तो तो बी देन ए विल बी द प्रेडिसर ऑफ बी एग्रीड सो हमने अभी इनिशियलाइज क्या करा कि हम इनिशियलाइज सिंगल सोर्स करते समय हम सारी वर्टेक्स को रीड कर रहे हैं इसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ वी की सारी नोड्स को इन्फिनिटी कर दिया जितनी भी वर्टेक्स थी उसके बाद उनके पेरेंट को कहें या प्रोड को कहें उसको हमने assign करा और उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ एस को जीरो कर दिया मतलब क्या अगर मेरे पास कुछ भी पांच वर्टेक्स हैं तो मैंने चार पांचों को पहले इन्फिनिटी करा और फिर सोर्स को जीरो असाइन किया अब जब मैंने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करा अब मान लो इस नोड से एस से मैं यहां पे जा रहा हूं टी पे विद वेट सेवन अब ये मैंने जीरो करा है ये मेरा इन्फिनिटी है अब यहां पे मेरा एक रिलैक्स प्रोसीजर कॉल होगा रिलैक्स प्रोसीजर की वर्किंग क्या है अभी ये जीरो है यहां इन्फिनिटी एक लार्जेस्ट वैल्यू है जो इनिशियलाइज करते समय हमें मिली अब हम जीरो वेट से इनिशियल स्टेट से सेवन वेट के साथ टी पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका वेट अपडेट होके सेवन होना चाहिए अब सेवन कैसे अपडेट होगा सिंपल हम क्या कर रहे हैं रिलैक्स प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं रिलैक्स प्रोसीजर यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू क्या है वर्टेक्स यू से वर्टेक्स वी तक जा रहा हूं यहां से यहां तक विद वेट डब्ल्यू अब इसमें सिंपल हम क्या कहते हैं कि इसका क्या डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस डब्ल्यू टी एस एग्रीड टी का डिस्टेंस क्या है एस का डिस्टेंस क्या है और यहां से यहां तक जाने का वेट क्या है डिस्टेंस ऑफ टी अभी क्या है इंफिनिटी ग्रेटर देन जीरो प्लस सेवन एंड इंफिनिटी ग्रेटर देन सेवन कंडीशन ट्रू अब सीधी सी बात की भाई यहां से यहां जाने का ये ग्रेटर है मैं तो शॉर्टेस्ट पात की बात कर रहा हूं तो जब इंफिनिटी से शॉर्टेस्ट कुछ मिल रहा है सेवन तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये मेरा फर्स्ट स्टेप था नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट कर दूंगा जैसे ही डिस्टेंस ऑफ वी को अपडेट करा सेवन से तो मेरा पाई ऑफ वी भी अपडेट हो जाएगा कि मैं पाई ऑफ वी अपडेट होने का क्या मतलब है कि मैं U वर्टेक्स पे जो पहुंचा हूं V वर्टेक्स पे वो विद द हेल्प ऑफ U पहुंचा हूं दिस इज अ वर्किंग ऑफ रिलैक्स प्रोसीजर यहां से हमने ये सीखा कि वॉट इज अ वर्किंग ऑफ इनिशियलाइजेशन सिंगल सोर्स फंक्शन एंड वॉट इज अ वर्किंग ऑफ रिलैक्स प्रोसीजर अब जैसे यहां पे देख लेते हैं फाइव प्लस टू और यहां पे नाइन नाइन ग्रेटर देन फाइव प्लस टू तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड एज सेवन बट इन दिस एग्जैंपल फाइव प्लस टू एंड सिक्स दिस ऑलवेज बी रिमेन एज सो अभी तक इनिशियलाइज सिंगल सोर्स और रिलैक्स प्रोसीजर की हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी अब इसी में एक कंस्टेंट यहां से यहां तक यह सेवन था दिस इज डा दिस इज दाथ एग्रीड अब मान लेते हैं यहां से यहां आए ए पे विद थ्री और यहां से यहां गए विद टू तो जब मैं ग्राफ को मल्टीपल टाइम ट्रेवर्स करूंगा तो दिस वेट सेवन विल गेट अपडेटेड टू फाइव बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ वाया सम अदर वर्टेक्स एग्रीड क्योंकि अभी मैं एस से सेवन करा एस से थ्री करूंगा जब ए से टी का पाथ चेक करूंगा तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें इसके कंपैरेटिव किसी इंटरमीडिएट वर्टेक्स के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ मिले तो हमें इसको ध्यान रखना है शुरुआत में इंफिनिटी था फिर सेवन किया फिर फर्दर फाइव अब बात हो रही थी नेक्स्ट अगर देखें बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम। पहले बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में डेफिनेशन जानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम सॉल्व द सिंगल सोर्स पाथ प्रॉब्लम इन विच एज में बी नेगेटिव मतलब हमारे के वेट नेगेटिव हो सकते हैं पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव साइकिल फॉर्म ना हो अभी नेगेटिव साइकिल का क्या मतलब है वो अभी एक एग्जांपल आपको लेके मैं बताऊंगा नेक्स्ट गिवन अड एंड डायरेक्टेड ग्राफ एग्रीड सिमिलर टू डा विद सोर्स एस एंड वेट फंक्शन एज बिलोंग टू आर द बेलमेन फोर्ड एलगोरथम रिटर्न अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर और नॉट देर इज अगेटिव वेट साइकिल दैट इज रीचेबल फ्रॉम द सोर्स इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है हमारे पास एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास एजिस हैं उनके वेट्स असाइन है डेट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेट अब बेलमेन फोर्ड एलगोरथम रिटर्न करेगा एक बुलियन फील्ड वैल्यू ट्रू और फॉल्स ट्रू मतलब ये कि इसमें नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करती है नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा और अगर नेगेटिव साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती तो फॉल्स रिटर्न करेगा और मेरा शॉर्टेस्ट पाथ भी आ रहा होगा इफ देयर इज अ सच अ साइकिल देन एलगोरिथम इंडिकेट्स नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इफ देयर इज नो सच साइकिल एलगोर प्रोड्यूस एंड देयर वेट्स जो मैं अभी यहां पे आपसे डिस्कस कर रहा था तो बेसिकली क्या ग्राफ है वेटेड और डायरेक्टेड ग्राफ है नेगेटिव वेट्स हैं पॉजिटिव वेट्स हैं नेगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए नेगेटिव साइकिल हो गई तो बुलियन फील्ड विल रिटर्न ट्रू मतलब इससे कोई शॉर्टेस्ट पाथ आ ही नहीं सकता और अगर हमारे पास नेगेटिव साइकिल नहीं है तो बुलियन फील्ड विल रिटर्न फॉल्स और हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा विद सेम प्रोसीजर एज ट एग्रीड और ना व्हाट इज द नेगेटिव साइकिल अब एक चीज देखें मान लो यहां पे एस है टी है यू है अब इससे इसका वेट टू इससे इसका वेट थ्री एग्रीड अब ध्यान रखना टू थ्री अब ये अपडेट होके क्या हो जाता है शुरू में ये होगा जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी और फिर ये अपडेट होके हो गया होगा जीरो टू टू प्लस थ्री फाइव एग्रीड अब मेरा यहां पे क्या कहना है कि अगर यहां से यहां तक की एक साइकिल टू थ्री और ये माइनस वन है तो अगर मैं बार बार इसके वेट्स भी देखूंगा तो हमेशा क्या चल रहा होगा देखें जीरो आया जीरो प्लस टू इज टू टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव माइनस वन इज वॉट फोर दैट इज रिलैक्स प्रोसीजर कंडीशन फॉल्स एग्रीड अब मैं यहां पे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इस माइनस वन की जगह माइनस सिक्स हो जाए मतलब जीरो टू फाइव माइनस सिक्स फाइव फाइव माइनस सिक्स माइनस वन माइनस वन विल कम हेयर टू देन वन वन प्लस थ्री फोर फोर माइनस सिक्स माइनस टू तो दिस की साइकिल का मतलब वाई से जेड जा रहा हूं जेड से वापिस एक्स आ रहा हूं तो साइकिल तो बनी बेसक उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वेट्स है लेकिन उस साइकिल का जब सम करूंगा वेट्स का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है और अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइकिल फॉर्म हो गई वो कीप्स ऑन अपडेटिंग उसी लूप में घूमता रहेगा और हमें कभी शॉर्टेस्ट पार्ट डिटरमाइन नहीं होगा एग्रीड अब इसी एग्जांपल पे देख लेते हैं यहां पे क्या फॉलोइंग ग्राफ एज वन नेगेटिव वेट साइकिल क्या वन से टू टू से थ्री थ्री से वन अब देखो माइनस थ्री टू माइनस वन माइनस थ्री टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस तो टू इसका सम आ गया इसका मतलब ये नेगेटिव वेट साइकिल और हमेशा हमेशा अपडेट होता रहेगा बिल्कुल और सिंपल सा एक एग्जाम्पल अगर मैं लू मान लो एस है एस से यू गया विद फोर और यू से वापस यहां पे आया विद माइनस वन अब सोचे दिस वॉज जीरो दिस वॉज फोर फोर माइनस वन इज वॉट थ्री थ्री क्या हुआ जीरो से बड़ा तो कुछ नहीं होना लेकिन अगर ये माइनस फाइव हो जाए तो मेरी ये एक नेगेटिव साइकिल फॉर्म हो गई तो हमें क्या ध्यान रखना है नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए नेगेटिव वेट्स बेसक होते रहें, और जिस भी साइकिल के सारे वेट्स का सम करूंगा उसका अगर पॉजिटिव वेट आ रहा है तो कोई नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं हो रही अगर नेगेटिव वेट आ गया तो नेगेटिव साइकिल फॉर्म हो रही है अब ये उसकी अलगौरिथम है बेसिक एल्गोरिथम क्या पहला स्टेप इनिशियलाइज सिंगल सोर्स एग्रीड इसके बाद हम क्या कह रहे हैं हम सारी वर्टेक्स को कवर कर रहे हैं एक लूप चलाया i की वैल्यू वन से लेके v ऑफ g माइनस वन वी ऑफ g माइनस वन क्यों मान लो एक ग्राफ में पांच वर्टेक्स हैं सोर्स को तो हम इनिशियलाइज कर चुके हैं ना सोर्स से उन चार तक का सॉर्ट ढूंढना है इसलिए एक कम अब सारी एजिस को देखूंगा और रिलैक्स प्रोसीजर कॉल करूंगा फॉर आई इक्वल टू वन इटरेशन वन पे सारी एजेस देखी रिलैक्स प्रोसीजर कॉल करा फिर आई इक्वल टू टू पे करा आई इक्वल टू थ्री पे करा आई इक्वल टू फोर टाइम्स क्यों जा रहा है मे बी एक्स से वाई अभी टू वेट है लेकिन एक्स से जेड जाके वाई हमारा अपडेट हो जाए दैट्स वाई हम आई वाले लूप को वी ऑफ जी माइनस वन टाइम्स रन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं इस वी इन टू कर रहे हैं ये सारी है जिसको v इंटू ई टाइम्स हम देखने वाले हैं इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी v इन टू e होती है अब यह रिलैक्स करने के बाद अब यहां ध्यान रखना फॉर ईच एज दिस इफ dv ग्रेटर देन दिस अगर डी वी हर बार ग्रेटर देन ये है तो रिटर्न फॉल्स रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है निकल के नेगेटिव वेट साइकिल नहीं है और रिटर्न ट्रू का मतलब नेगेटिव वेट साइकिल मेरी इसमें एग्जिस्ट कर रही है मतलब अगर ये अपडेट होता रहा डीवी ग्रेटर देन डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी अगर ऐसा रहा तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा एल्स रिटर्न टू हो जाएगा अब इसको हम कैसे कर रहे हैं इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी समझें दिस इज v इन तो बेलमेन फोर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी वी इंटू होती है और वी इन टू प्लस इज वी इंटू अब ये होने के बाद इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये एक है इसको मैंने शुरू में अगर देखें शुरुआत में बिल्कुल इसको इनिशियलाइज करा जीरो एंड अब नेक्स्ट क्या है? मैं सारी एजिस को नोट डाउन कर लूंगा सारे एजिस के वेट फॉर आई इक्वल टू वन पे सारे एजिस के वेट चलाएंगे तो पहले इसी को देख लेते हैं कैसे फॉर i इक्वल टू वन पे इसने क्या किया इस पे यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का पाथ पहले क्या था अगर देखें यहां जीरो इनफिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. तो मैं इससे ये वाला एडजेसेंट देखा ये वाला एडजेसेंट देखा तो मुझे इन दोनों के पाथ दिखे बस इन दोनों के पाथ दिखे तो मुझे क्या हो गया होगा नेक्स्ट अपडेट होकर मिलेगा मुझे जीरो माइनस वन फोर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, एग्रीड माइनस वन कब ए से बी जाने के लिए फोर कब ए से सी जाने के लिए लेकिन एक चीज मुझे ध्यान रखनी है ए से बी जाने का पाथ सिर्फ यही है और कोई पाथ नहीं है तो ये माइनस वन ही रहेगा लेकिन ए से सी में अभी वेट फोर के साथ जा रहा हूं लेकिन ए से बी जाके सी पे आऊं तो ये मेरा वेट टू भी हो जाएगा इसलिए ये अपडेट हो जा रहा है एग्रीड इसीलिए मैं आई वाले लूप को वी जी माइनस वन चला रहा हूं और सारे जिसको बार 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 ट्रेवर्स कर रहा हूं अब इसी में नेक्स्ट ये वाला पार्ट कंसिडर ये वाला पार्ट कंसिडर अब ये माइनस वन है ये टू है अब अगर यहां से देखें ए से बी बी से ई e जा रहे हैं माइनस वन और टू इज वन ई जाने का कोई और पाथ वन से छोटा वन no no so, हमेशा दिख रहा है अग्रीड अब ए से बी गया बी से सी आया था तभी माइनस टू था यह यहां तक अभी तक हमारी वर्किंग है अब यहां पर इसके बारे में अगर सोचें तो यह अपडेट कैसे हुआ है यहां पर वन कैसे ए से बी गया बी से डी आया माइनस वन e और टू दैट इज वन लेकिन ए से बी जाऊंगा बी से ई और ई से वापस डी इज माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री इज माइनस टू इसलिए ये माइनस टू रिटर्न हो रहा है एग्रीड तो अब मुझे ये समझ में आ गया दिस इज मिनिमम देन ए टू बी दिस इज मिनिमम क्योंकि देर इज ओनली वन सिंगल पाथ दिस e, इज minimum ओनली वन सिंगल path, पाथ एंड दिस इज मिनिमम फॉर सी एंड दिस इज मिनिमम फॉर डी तो ये मेरा एक शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आ रहे हैं अब इस एग्जांपल पे एक बार हम डिस्कस करते हैं डिटेल में अब मैं सिंपल यहां पर वर्टिसेस लिख ली मान लो एस टी वाई एक्स एंड जेड और यहां पे लिख लिया जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इनिशियलाइज सिंगल सोर्स करा फॉर i इक्वल टू वन फोर i इक्वल टू वन हम लूप चला रहे हैं सारी वर्टेक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं अब सारी वर्टेक्स मतलब क्या अब देख लेते हैं जैसे s से t क्या वेट है सिक्स s से y क्या वेट है सेवन ठीक है t से x हमारे पास वेट है फाइव t से y Weight eight T say Z minus four then Y to Z nine then Y to X that is minus three then Z टू एस 2. Z टू X थ्री X टू T माइनस टू दीज आर सम वेट्स एग्रीड अब इसमें क्या है हमने पहले डिस्टेंस को इनिशियलाइज करा और यहां पे पाथ नील अब मुझे हर बार क्या करना है आई को वन टू फोर टाइम्स चलाने के लिए मुझे क्या करना है इन सारे वेट्स पे रिलैक्स कॉल करना है अब देखो कैसे एस से लेके T तक का पाथ क्या मतलब है इसका ये दिस इज इज ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू और इसको अपडेट कर देंगे इसको अपडेट कर देंगे तो यह सिक्स हो जाएगा और यह सिक्स होने के बाद यह नील की जगह यहां पर एस आ जाएगा ऐसे ही एस से वाई देखते हैं ये और ये पाथ यहां पे अपडेट होने ई क्या होगा फिर से वही इनफिनिटी ग्रेटर देन जीरो प्लस सेवन एंड इनफिनिटी ग्रेटर देन एंड दिस विल गेट अपडेटेड सेवन और यहां पे भी ऐसा आ रहा होगा अब हम सारी एजिस को एक 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 करके रिलैक्स कॉल करेंगे हर बार कंडीशन फॉल्स आएगी वो आप चेक कर सकते हैं एग्रीड हर बार कंडीशन फॉल्स आएगी इसके बाद हम ये कह देंगे फॉर आई इक्वल टू वन पे हम सिर्फ यहां और यहां तक पहुंचे दिस इज जीरो दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवन जो कि मुझे यहां पे क्लियर हुआ अब यह होने के बाद जब मेरे पास जीरो सिक्स सेवन इन्फिनिटी इन्फिनिटी था एस टी वाई एक्स एंड जेड अब मैं फिर से वो सारी नो की नो एजेस चेक करूंगा आई इक्वल टू टू पे आई इक्वल टू टू पे नाइन एजेस विल बी ट्रेवर्स अगेन नाइन एजेस विल बी ट्रेवर्स अगेन अब फिर से ट्रेवर्स होगा रिलैक्स कॉल होगा रिलैक्स प्रोसीजर इज कॉल्ड अगेन ठीक है अब रिलैक्स प्रोसीजर को फिर से कॉल करने के बाद जब हम देखेंगे यहां पे, तो हम नेक्स्ट स्टेप देखें इस सिक्स से सिक्स के एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है मुझे दिस माइनस फोर तो यहां पे टू आ जाएगा जब मैं सारी एजिस को ट्रेवर्स कर लूंगा ठीक है और यह होने के बाद सेवन माइनस थ्री यहां पे मेरा फोर हो जाएगा ठीक तो मेरी कौन कौन सी एजिस नेक्स्ट ट्रेवर्स हुई आई इक्वल टू टू वाला लूप चलाने के बाद दिस एंड दिस एग्रीड अब यह चीज आपको यहां पे एज एन आउटकम मिला मतलब s t y x एंड जेड यहां क्या हुआ जीरो सिक्स सेवन एक्स इज वॉट फोर एंड दिस इज टू अब आई इक्वल टू थ्री पे फिर से सारी एजिस को रिलैक्स करेंगे ये बार बार एजिस को रिलैक्स करने का क्या मतलब है क्योंकि अभी मुझे एक्स टू वाई ये वेट मिला लेकिन एक्स टू जेड जाके वाई पे आके में भी वेट कम हो जाए जो अब होना है यहां पर कैसे अब जब मान लो मुझे यह फोर मिला माइनस थ्री और इस पे मुझे यह भी दिख रहा है कि यहां पे दिस इज डैश टी पे पहुंच रहा हूं एस से दिस से एस से एक्स से क्या पहुंच रहे हैं एक हैं एक्स हम आए फोर हमारा आया ये वाई से और जेड इज वॉट टी अब नेक्स्ट चीज जो मुझे यहां पर दिखेगी कि, कि किसी और के थ्रू मेरा फर्दर वेट रेड्यूस होगा जब सारी एजिस जिसको ट्रेवर्स करेंगे अब कैसे अब सेवन माइनस थ्री इज फोर एंड सिक्स माइनस फोर इज टू अब यहां पे अगर ध्यान दें सेवन माइनस थ्री फोर तो नेक्स्ट अगर इसके नेक्स्ट लूप को अगर रन करें तो यहां से क्या आ रहा होगा सिक्स इज दिस सिक्स माइनस फाइव वन इलेवन इलेवन माइनस टू इज नाइन तो ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सिक्स है तो अगर अपडेशन नेक्स्ट होना है तो वो कैसे होना है तो नेक्स्ट जो अपडेशन होगा वो हमारा अपडेशन हो रहा होगा नेक्स्ट माइनस टू आ रहा होगा माइनस टू कैसे तो इसको हम कैसे देख रहे होंगे सेवन माइनस फोर इज दिस सिक्स माइनस फोर इज टू अब नेक्स्ट पार्ट हमें यहां से दिख रहा होगा टी फॉर आई इज इक्वल टू सारी एजिस को अगर मैं रिलैक्स करता हूं फिर से एस टी एस वाई टी एक्स टी वाई टी वाई

Two. तो ये टी मेरा अपडेट हो रहा होगा टी अपडेट होना मतलब ये चीज हो जाएगी ये हो जाएगी क्या टी अपडेट होना टी किसके थ्रू अपडेट हुआ एक्स के थ्रू अब जब ये टी अपडेट हो गया तो टी अपडेट होना मतलब टू और टू माइनस फोर इज अगेन माइनस टू तो मेरा जेड भी अपडेट हो रहा होगा जेड विल बी माइनस टू और ये मेरा टी के थ्रू आ रहा होगा तो जो सॉल्यूशन मेरे पास रिटर्न हो रहा होगा वो रिटर्न हो रहा होगा ये मतलब क्या एस t x s t y x z that is 0 or t mera kya hai 2 or y is 7 x is 4 and z is minus 2 this t is reached from where x s and this x is reached from where y and then this is z is reached from t. तो सिंपल जो मेरे पास पाथ आएगा वो क्या आएगा हम पहुंचे एस से वाई पे एग्रीड वाई से एक्स पे एक्स से टी पे और टी से जेड पे एस से वाई इज वॉट सेवन वाई टू एक्स इज वॉट फोर देन टू देन माइनस टू दिस कीप्स ऑन अपडेटिंग लाइक दिस hope you all have understood this lecture this was a bellman ford algorithm please understand the complexity of this is v into e because we are running a four loop v times for the edge e edges hame bar 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 sari edges ko traverse karna hai v times क्योंकि उसके अंदर जो negative weight cycle form हो रही होंगी उसको हमें find out करना है अगर हमारे weights बार 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 अपडेट होते रहेंगे नेगेटिव तो साइकिल उसमें मिल चुकी है जिस वजह से मेरा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आ रहा है और जब आई इक्वल टू फोर पे जाके नेगेटिव ये हमारा अपडेट होने बंद हो जाएंगे इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है दिस इज ऑल अबाउट वेलमेन फोर्ड एल्गोरिथम थैंक यू